प्रदेश सरकार की बसों में ओवरलोडिंग की स्थिति के चलते कॉलेज के छात्र भी पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। इसी के चलते हमीरपुर डिग्री कॉलेज की एबीवीपी इकाई ने आरएम कार्यालय हमीरपुर के बाहर धरना किया और जोरदार नारेबाजी की। एबीवीपी ने मांग की कि कॉलेज छात्रों के लिए अतिरिक्त बसें लगाई जाए ताकि पढ़ाई बाधित न हो सके। वहीं आरएम हमीरपुर विवेक लखनपाल ने छात्रों की मांग को सुनते हुए जल्द 3 रूटों पर नई बसें लगाने के लिए कहा। हमीरपुर कॉलेज के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के छात्रों ने आज आरएम ऑफिस के बाहर बसों की ओवरलोडिंग को लेकर धरना प्रदर्शन और खूब नारेबाजी की। विद्यार्थियों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा जो नियम बसों की ओवरलोडिंग के लिए लागू किए हैं, विद्यार्थी परिषद उनका सम्मान करती है, लेकिन उसमें कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि लोकल तक जाने वालों और कॉलेज आने वाले विद्यार्थियों को कई बार चालक और परिचालक ओवरलोडिंग की वजह से नहीं बिठाते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को कॉलेज जाने के लिए कई परेशानियां झेलनी पड़ती है। विद्यार्थी परिषद यही मांग करता है कि कॉलेज के स्टूडेंट के लिए अलग बसें लगाई जाएं, जिससे कि सभी विद्यार्थी समय पर कॉलेज पहुंचे। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के छात्र रोबिन का कहना है कि बसों में ओवरलोडिंग के विरुद्ध एबीवीपी के छात्रों ने धरना दिया है और मांग की जा रही है कि जिन रूटों पर बसें कम आती हैं उन रूटों पर और बसों को चलाया जाए ताकि कॉलेज के छात्रों को आवाजाही में दिक्कतें ना आएं। वहीं कॉलेज की छात्रा का कहना है कि बसों में ओवरलोडिंग के चलते छात्रों को नहीं बिठाया जा रहा है, जिसके कारण छात्र कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं। छात्रा का कहना है कि आरएम ने कहा कि नाल्टी ग्लोर से जो विद्यार्थियों के लिए बसें कम है उनके लिए बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। आरएम हमीरपुर विवेक लखनपाल का कहना है कि एबीवीपी के छात्रों की मांग से पहले ही एचआरटीसी ने छात्रों के लिए बसें चला दी हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर अनु कॉलेज के लिए भीड़ बढ़ रही है, उसके लिए भी पिछले कल से 9 बसें और शुरू कर दी हैं। प्रदेश में बस हादसों के बाद ओवरलोडिंग को लेकर बढ़ती जा रही सख्ती पर कांग्रेस ने कड़ा एतराज जताया है और बीजेपी सरकार को हादसों पर घेरा है। हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने हादसों पर दुख जताया तो प्रदेश सरकार को हादसों के लिए जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि प्रदेश सरकार दिखावा करने के लिए ओवरलोडिंग कम करने की बात कर रही है। शर्मा ने बीजेपी नेताओं के बस हादसों को लेकर दिए जा रहे बयानों पर भी पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं के हादसों के बचाव के बजाय उल्टा कांग्रेस को दोषी ठहराया हास्यास्पद है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार के नुमाइंदे अपने 1.5 साल के कार्यकाल में किसी भी समस्या का हल निकालने में असफल हुए। सुजानपुर टिहरा में बीते 2 दिन पहले शाम के समय आए तूफान से बिजली बोर्ड का लगभग 20 लाख का नुकसान हो गया था, जिससे शहर भर में बिजली गुल हो गई थी, लेकिन बिजली विभाग द्वारा मेहनत के बाद उसी रात को आधे शहर में बिजली दे दी गई थी और कल सुबह से लेकर शाम तक खुद एक्शन हमीरपुर ने मौका संभालते हुए शहर के 8 वार्डों में खंभे खड़े कर दिए हैं, जहाँ पर विद्युत सप्लाई बाधित पड़ी हुई थी। बीते शाम को वार्ड नंबर 9 और 1 में बने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास एक्शन में इलेक्ट्रिसिटी ने खुद कमाते हुए रात को लाइट लोगों को मुहैया करवा दी है। ज्ञात रहे कि इस लाइट के जाने से पानी की सप्लाई भी नहीं हो रही थी, जिससे लोगों को बिजली के साथ साथ पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ा था। बीती रात को लाइट आ जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। ज्ञात रहे कि 2 दिन पहले आए तूफान से बिजली बोर्ड के दर्जनों खंभे टूट गए थे, लेकिन बिजली बोर्ड ने तुरंत हरकत में आकर शहर भर के दर्जनों खंभे एक ही दिन में लगाकर नया इतिहास रच दिया है, जिसका श्रेय भाजपा पदाधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को दे रहे हैं। ये जानकारी शहरी महासचिव सुधीर पटनागर ने दी। उन्होंने बताया कि तूफान होते ही इसकी सूचना पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को दे दी थी, जिसकी सूचना मिलते ही प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने तुरंत हरकत में आते हुए विद्युत विभाग के कर्मचारियों को अवगत करवाया और आदेश देते हुए शीघ्र ही लाइट की व्यवस्था करने के लिए आदेश दिए। हमीरपुर सब डिवीजन से लगभग 30 विद्युत कर्मचारी उसी रात को पहुंच गए थे, जिसके चलते शाम को ही विद्युत विभाग के सुजानपुर उपमंडल में पहुंच गए थे, जिन्होंने बीते 2 दिनों से कड़ी मेहनत करने के उपरांत लाइट को ठीक करने में जुटे हुए हैं, जिससे शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। धूमल के द्वारा किए गए प्रयासों से ही सुजानपुर की लाइट 2 दिन में ठीक हो पाई है। यदि प्रशासन
जी तोड़ मेहनत नहीं करता तो लाइट का आना एक सप्ताह तक निश्चित नहीं था। जब तूफान आया था तो लोग अनुमान लगा रहे थे कि लाइट 15 दिन तक नहीं आएगी, लेकिन प्रशासन और स्थानीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के प्रयासों के कारण लाइट शहर के अंदर जगमगा उठी है, जिससे साफ साबित हो रहा है कि बिजली विभाग के कर्मचारी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस बारे में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एक्शन के भारद्वाज से बात की। उन्होंने बताया कि आने वाले 24 घंटे के भीतर पूरे शहर की बिजली सुचारू रूप से चालू हो जाएगी और आधी से ज्यादा लाइटें तूफान वाले दिन चालू कर दी गई थी। डीआर सीरीज की ओर से 6 जुलाई को गाना सत्ता समुद्रा पार, गणेश वंदना, शगना दे कलीरे और डीजे बजदा गाना रिलीज किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल, पंजाब, जम्मू के कलाकारों ने काम किया है। डायरेक्टर देव शर्मा ने बताया कि गाने को भूपेंद्र कौर द्वारा गाया गया है तथा हैप्पी द्वारा लिखा गया है। इसमें म्यूजिक आरपी द्वारा दिया गया है तथा डायरेक्ट पवन शर्मा द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट डीआर सीरीज देव शर्मा द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें मुख्य कलाकार के रूप में इंटरनेशनल मॉडल दीपजोत कौर, नेशनल मॉडल सपना शर्मा, नॉर्थ इंडिया लेवल की मॉडल शिवा खान, सिंगर भूपेंद्र कौर ने काम किया है। ये गाना जलंधर में फिल्माया गया है। डीआर सीरीज नॉर्थ इंडिया के कलाकारों को प्रतिभा दिखाने का मौका दे रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि गाने को काफी पसंद करेंगे। एसोसिएट डायरेक्टर सपना शर्मा ने बताया कि हिमाचल के बैजनाथ में बब्बी मान द्वारा गाए गए गाने की शूटिंग अगले हफ्ते तक होने जा रही है, जिसमें हिमाचली कलाकारों को कार्य करने का मौका दिया जा रहा है, जिसमें लीड रोल में सरका घाट की अनु चंदेल तथा और कलाकारों का सहयोग रहेगा।